नमस्कार, झारखंड की ताजा खबरों में आप सब का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। सीएम हेमंत सोरेन ने नक्सलियों के सप्लाई चेन को ध्वस्त करने का दिया आदेश, कहा विस्फोटक पर रखें नजर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने नक्सल गतिविधियों को रोकने को लेकर चल रही सरकारी कवायद की जानकारी लेने के लिए गुरुवार को गृह विभाग की समीक्षा की। मौके पर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक नक्सलियों तक ना पहुंचे, इस पर नजर रखें। समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के खुट्टी, रांची, सरायकेला, चाईबासा, कोल्हान क्षेत्र, पारसनाथ, बुड्डा पहाड़ छत्तीसगढ़ एवं चतरा गया, पलामू, औरंगाबाद सीमा क्षेत्र की भी जानकारी ली। उन्होंने अधिकारियों को नक्सलियों की सप्लाई चेन और खनन में उपयोग होने वाले विस्फोटक को नक्सलियों तक ना पहुंचने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने नाराजगी जताई कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली खुले जेल के बजाय सामान्य जेल में क्यों रखे गए हैं। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि ऐसे नक्सली जो आत्मसमर्पण किए हैं उन्हें शीघ्र खुला जेल में शिफ्ट करें। खुला जेल से संबंधित मैनुअल में अगर किसी तरह के बदलाव की जरूरत हो तो वह भी करें। इसके साथ ही आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को मिलने वाले राशि देने की प्रक्रिया को सरल बनाएं। झारखंड में बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती निकालने की तैयारी, हेमंत सरकार ने की है खास प्लानिंग। झारखंड के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो प्रदेश की हेमंत सोरेन सरकार जल्द ही बड़े पैमाने पर शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर सकती है। शिक्षकों की बहाली क्षेत्रीय और जनजाति भाषाओं में करने की योजना है। आप सबको बता दूं, प्रदेश सरकार ने राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से ले जाने वाली नियुक्ति परीक्षा में जनजाति और क्षेत्रीय भाषाओं को शामिल किया गया है। बताया जाता है कि सरकार ने स्कूलों में इन भाषाओं की पढ़ाई शुरू करने की योजना बनाई है। ऐसे में प्राथमिक से लेकर प्लस टू स्तर तक के स्कूलों में इन भाषाओं के लिए शिक्षकों की जरूरत पड़ेगी। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक ही चला तो क्षेत्रीय और जनजाति भाषाओं के लिए शिक्षकों के पद जल्द ही सृजित किए जाएंगे। हेमंत सोरेन बोले, बाहरी मानसिकता के लोगों ने मूल निवासियों के हितों से किया खिलवाड़, झारखंडी लोगों के लिए काम कर रही है सरकार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि 20 साल तक झारखंड में बाहरी मानसिक के लोगों ने राज कर मूलवासियों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया। कुछ लोग बड़े षड्यंत्र के तहत मूलवासियों को नौकरियों में नहीं आने देने की फिराक में थे। सरकारी विभागों में उल्टा पुल्टा नियमावली बनाकर दूसरे राज्यों के लोगों को बहाल कर रहे थे। हमारी सरकार ऐसे गलत मंसूबों को सफाया कर रही है जिससे आदिवासियों और मूलवासियों को उनका हक मिल सके। दुमका में बुधवार को सोना सोबरान धोती साड़ी वितरण योजना का शुभारंभ करने के बाद मुख्यमंत्री समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार झारखंडी हितों का ध्यान में रखकर रोज नए कानून बना रही है। मूलवासियों को कैसे रोजगार मिले इसके लिए उनकी भाषा रीति रिवाजों के आधार पर नियम बनाए जा रहे हैं। हमारा हर निर्णय राज्य के मूलवासियों, आदिवासियों, ओबीसी, किसानों, बेरोजगारों की प्राथमिकता को देखते हुए हो रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह साल नौकरियों का होगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार 5 साल में जेपीएससी की एक परीक्षा नहीं ले सकी, जबकि हमारी सरकार ने इसे 19 सितंबर को जेपीएससी की परीक्षा का आयोजन किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि जब मैं 2014 में मुख्यमंत्री था तब हमने सोना सोबरान धोती साड़ी योजना शुरू की थी, पर हमारी सरकार चली गई तो गरीबों के लिए शुरू इस योजना को पूर्ववर्ती सरकार ने बंद कर दिया था। आयुष्मान योजना बनी टूटती सांसों के लिए जीवन का वरदान, झारखंड के 57 लाख परिवार जुड़े। आज से ठीक 3 वर्ष पूर्व आयुष्मान योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को ख्वाब दिखाया था कि बीमार लोगों के लिए यह योजना वरदान साबित होगी। बात सही भी निकली। झारखंड में पिछले 3 वर्षों में 9 लाख से अधिक लोगों ने आयुष्मान योजना के तहत अपना मुफ्त इलाज कराया है। इनमें से कुछ ऐसे हैं जिनका जान बचाना मुश्किल था। किसी के हृदय का ऑपरेशन होना था तो कोई कैंसर से जूझ रहा था। पैसे के अभाव में गरीब आदमी के प्राणों पर संकट आया था। ऐसे में आयुष्मान योजना इसके लिए संजीवनी बन गई। सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में इलाज करवाकर ये 9 लाख लोग आज स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। आयुष्मान योजना का नाम सुनते ही इनके चेहरों पर मुस्कान खिल जाती है। परिवार संघ प्रधानमंत्री को दिल से दुआएं भी दे रही है। झारखंड से आयुष्मान योजना का खास जुड़ाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2018 को झारखंड से ही विश्व की इस सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना का शुभारम्भ किया था। झारखंड सरकार की इस योजना से खुश हुए कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त सीएम हेमंत सोरेन को दी बधाई।
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त निक लो ने तारीफ करते हुए सीएम को बधाई दी। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त ने सीएम हेमंत सोरेन को यह बधाई राज्य में मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना को सफलतापूर्वक शुरू करने और आदिवासी समुदायों के छात्रों को विदेश जाने में मदद करने के लिए दी है। आप सबको बता दो कि हेमंत सोरेन ने मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 6 आदिवासी छात्रों का चयन किया है। यह सभी छात्र ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करेंगे और सरकार इनका सारा खर्च वहन करेगी। झारखंड में एक बार फिर भारी बारिश के आसार हैं। म्यांमार में चक्रवात बन रहा है, इसका असर 25 और 26 सितंबर को झारखंड में पड़ सकता है। अगले 24 घंटे में इसके बंगाल की खाड़ी में सक्रिय होने की उम्मीद है। इससे 25 और 26 सितंबर को भारी बारिश हो सकती है। मौसम केंद्र के अनुसार आज शुक्रवार को अधिक बारिश हो सकती है। रांची समेत कई जिलों में बारिश के साथ वज्रपात की आशंका है। झारखंड के राजधानी रांची, पाकुड़, गुमला, देवघर एवं पूर्वी सिंहभूम जिले के कुछ भागों में आज शुक्रवार को मेघ गर्जन होगा। इस दौरान बारिश की संभावना है और वज्रपात की भी आशंका व्यक्त की गई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्व अनुमान में बताया है कि इस दौरान घर से बाहर निकलने में सावधानी बरतें। आप सबको बता दूं कि इस बार दुर्गा पूजा से लेकर दीपावली तक बारिश का योग बन रहा है। इस अवधि में हल्की बारिश हो सकती है। 27 सितंबर से अस्त नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। इस दिन से हवा चलेगी और भारी बारिश होगी। 10 अक्टूबर के बाद खंड बारिश का योग बन रहा है। वाराणसी पंचांग के अनुसार 11 को चित्रा नक्षत्र में सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। 24 अक्टूबर तक चित्रा नक्षत्र रहेगा। 24 की शाम को 7:36 में स्वाति नक्षत्र शुरू हो रहा है, जो 6 नवंबर तक रहेगा। इसके बाद से बारिश से राहत मिलेगी। झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी करने वालों की खैर नहीं, जांच के लिए कमेटी गठित। झारखंड में आदिवासी जमीन की हेराफेरी करने वालों पर सरकार की नजर है। विधानसभा की विशेष कमेटी ऐसे मामलों की जांच करेगी। विधानसभा के मानसून सत्र में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका ऐलान किया था। विधानसभा की विशेष कमेटी से जांच कराने की बात कही थी। राज्य में बड़े पैमाने पर कानून का उल्लंघन कर आदिवासी जमीन की खरीद प्रोखोस्त की शिकायतें मिल रही है। मामले की जाँच को लेकर विधानसभा की विशेष समिति का गठन हो गया है। समिति के सभापति प्रोफेसर स्टीफन मराने होंगे, जबकि लोबिन हेम्ब्रम, लंबोदर महतो और केदार हजारा सदस्य बनाए गए हैं। मानसून सत्र में लोबिन हेम्ब्रम ने इस मामले को उठाया था। झारखंड में आदिवासी की जमीन गैर आदिवासी नहीं ले सकते। इसके लिए छोटा नागपुर कष्टकारी अधिनियम और संथाल परगना कष्टकारी अधिनियम लागू है। कानून के बावजूद आदिवासी जमीन की बड़े पैमाने पर अवैध जमाबंदी कराई जा रही है। झारखंड से लखनऊ जा रही बस खाई में गिरी, एक बच्चे सहित 6 लोगों की मौत, 30 घायल। पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज से एक दर्दनाक खबर आ रही है। यहां प्रवासी श्रमिकों को झारखंड से लखनऊ ले जा रही एक निजी बस कल देर रात अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में जा गिरी। दर्दनाक हादसे में एक बच्चे और महिला समेत 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 यात्री घायल हो गए। बताया जा रहा है कि उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज थाने के रूपहार में 34 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस हादसे के बाद चारों ओर अफरा तफरी मच गई। घटना के फौरन बाद रायगंज थाने की पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू कर दी। खाई में गिरी बस में फंसे प्रवासी कामगारों को निकालने के लिए स्थानीय लोग भी पूरी सक्रियता से जुट पड़े। कोयल नदी पर बन रहा है रांची रेल मंडल का सबसे लंबा ब्रिज, 2024 में पूरा होगा निर्माण। रांची रेल मंडल के अंतर्गत कोयल नदी पर रेलवे का सबसे लंबा ब्रिज का निर्माण कार्य हो रहा है। यह 218 मीटर लंबा ब्रिज होगा। रेलवे के अभियंता इसे 2024 तक पूर्ण कर लेंगे। कुरकुरा स्टेशन के निकट इसका निर्माण कार्य चल रहा है। कोयल ब्रिज हटिया बंडा मुंडा सेक्शन में आएगा। इस सेक्शन का डबलिंग कार्य भी चल रहा है, इसके तहत इसका निर्माण किया जा रहा है। इसके बनने से ट्रेन की गति भी तेज होगी। ब्रिज के निर्माण के दौरान फाउंडेशन के लिए ब्लास्टिंग किया जा रहा है। इसमें खास ख्याल रखा गया है कि पुराने रेलवे ब्रिज को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। इसके लिए CMRI कंसल्टेंट का सहयोग लिया गया है, जिसकी देखरेख में काम हो रहा है। पुराने ब्रिज के 25 मीटर की दूरी पर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है। हटिया बंडा मुंडा सेक्शन 159 किलोमीटर है, जहां विभिन्न सेक्शनों में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। कुछ सेक्शनों में फॉरेस्ट क्लियरेंस का मामला अभी लंबित है। झारखंड में 4,402 ग्राम पंचायतों में मुफ्त दवा मुहैया कराने की प्लानिंग, स्वास्थ्य विभाग तैयार कर रहा है प्रस्ताव। झारखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्रों तक बेसिक दवाओं की सुगमता से पहुंच सुनिश्चित कराने की तैयारी चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर प्रदेश का स्वास्थ्य विभाग एक प्रस्ताव तैयार कर रहा है, जिसके तहत प्रदेश की सभी पंचायतों में जेनरिक दवाओं की दुकानें खोली जा सके।
इन दुकानों से दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को आसानी से मुफ्त में दवाएं मिल सकेगी। ऐसे में सामान्य बुखार, जुकाम, खांसी, दस्त, हल्के फुल्के जख्म आदि के लिए ग्रामीणों को भटकना नहीं पड़ेगा। अगर योजना के मुताबिक प्रस्ताव को जमीन पर उतारा जा सका तो स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में यह एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्ताव तैयार होने के बाद उसे विचार विमर्श और स्वीकृति के लिए प्रदेश कमेटी के समक्ष रखा जाएगा। बता दें कि झारखंड में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या 4,402 है। इसके अंतर्गत 30,000 से ज्यादा गांव आता है। फिलहाल स्वास्थ्य संबंधी सामान्य दिक्कत होने पर ग्रामीणों को दवा खरीदने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। समय पर दवा नहीं मिलने पर मरीजों की मौत तक हो जाती है। राज्य सरकार ने इस परेशानी को दूर करने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। इसके तहत स्वास्थ्य विभाग को ऐसा प्रस्ताव तैयार करने को कहा है जिससे आम लोगों को दवाई आसानी से उपलब्ध हो सके। कोरोना मृतक के परिजनों को मिलेगा 50,000 मुआवजा, केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया ये जवाब। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दिए गए एक जवाब में कहा है कि हर कोरोना मृतक के परिवार वालों को 50,000 रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की ये रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फंड से पीड़ितों के परिवारों को देंगे। केंद्र सरकार के अधीन काम करने वाले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी NDRF ने आज सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर कोरोना से जुड़ी मौत पर मुआवजे की रकम और प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। आप सबको बता दो कि इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की गई थी कि कोरोना से मरने वाले के परिवार को 4,00,000 रुपये मुआवजा दिया जाए। आप सबको बता दो कि नियम के मुताबिक प्राकृतिक आपदा से मरने वालों के परिवार को 4,00,000 रुपये मुआवजा मिलता है, लेकिन जिस तादाद में कोरोना से लोगों को मौत हुई है उसके बाद केंद्र सरकार ने मुआवजा देने से इनकार कर दिया था। केंद्र ने कहा था कि इतना पैसा मुआवजा देने से सरकार को बड़ा नुकसान होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के दबाव के बाद आज NDRF ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कोरोना से मरने वालों के परिवार को 50,000 रुपया मुआवजा दिया जाएगा। झारखंड में नवंबर दिसंबर में होंगे पंचायत चुनाव। झारखंड में नवंबर दिसंबर में पंचायत चुनाव करवाए जाएंगे। झारखंड के वित्त एवं खाद्य आपूर्ति मंत्री रामेश्वर उरांव ने यह बात कही है। रांची से दुमका जाने के क्रम में मंत्री रामेश्वर उरांव जामताड़ा में रुके, जहां उन्होंने पंचायत चुनाव को लेकर अहम बात कही। उन्होंने स्पष्ट किया है कि इस बार का पंचायत चुनाव दलीय आधार पर नहीं होंगे। इस दौरान जामताड़ा सर्किट हाउस में स्थानीय विधायक इरफान अंसारी भी मौजूद थे। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कहा है कि राज्य सरकार समाज के सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।